पटना जो कि बिहार की राजधानी है, इसका नाम आते ही हमारे दिमाग में गंदी सड़कें, बेकार राजनीति और सार्वजनिक वाहनों में ठुसे हुए लोगों की तस्वीर हमारे दिमाग में उभरने लगती है। पूरे भारत में बिहार को बेहद बेढंगे तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आर्यभट्ट हो या पढ़नी, चाणक्य हो या हो कालिदास जैसे विद्वान का जन्म इसी बिहार के पटना में हुआ था, जिन्हें भारतीय इतिहास में ज्ञान के क्षेत्र में धुरंधर माना जाता है। आपको इस शहर में आने के बाद धर्म और संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। अगर आपको भारत की असल छाप देखनी है तो पटना जरूर आए। ऐसा कहा जाता है कि पहले इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, फिर शेरशाह सूरी ने पटना पर शासन किया और यहाँ की देवी पाटनी के नाम पर इसका नाम पटना रखा। आपको बता दें कि पटना ही एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ के ज़्यादातर छात्र यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस अधिकारी बनकर अपने शहर का नाम रोशन करते हैं। भारत की आज़ादी में भी पटना का विशेष योगदान रहा है। नील की खेती के लिए चंपारण आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी पटना से हुई थी। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे लंबा सड़क पुल पटना में स्थित है, जो कि 5575 मीटर लंबा है। इसे महात्मा गांधी सेतु पुल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि सिखों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कर्मभूमि रहा है पटना। यह वही पटना है जहां के स्थानीय घरों में अक्सर शनिवार के दिन खिचड़ी बनाई जाती है, जिसके साथ अचार, पापड़, दही और घी भी खाया जाता है। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो कोलकाता के बाद पटना दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लगभग 3202 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला पटना शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 58 लाख से भी ज़्यादा है। आबादी के लिहाज से पटना बिहार का सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर है। यह शहर भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 1120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं अगर इस जिले के लिंगानुपात की बात करें तो इस जिले में 1000 पुरुषों पर 897 महिलाएं निवास करती हैं। अगर इस शहर की साक्षरता दर की बात करें तो इस शहर की साक्षरता दर 72% है, जिससे यह पता चलता है कि इस शहर में निवास करने वाले ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। वहीं अगर धार्मिक आधार पर इस शहर की जनसंख्या की बात करें तो इस शहर में 91% हिंदू, 8% मुसलमान, 0.4% ईसाई और 0.2% सिख तथा 0.4% अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी कम जनसंख्या में इस शहर में निवास करते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।